जो पूरे भारत में 12 महीने में केले की कटिंग आ रही है उसको हम बोल रहे हैं कि आप 6 महीने में कटिंग लोगे और ले रहे हैं। आपके गुजरात में तो 100% एक मॉडल प्लॉट खड़ा है देसाई ग्रुप का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है देसाई, सबसे बड़ा केले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उनका डबोई के पास एक गांव है छोटा सा, वहां 150 एकड़ की जमीन है, जैसे मेरा प्लॉट है ना ऐसा कैसा उनका प्लॉट है। उन्होंने 2011 में प्लांटेशन किया था, आज भी वो प्लांट चल रहा है और माल कट रहा है। 2020 है अभी और सब एक्सपोर्ट करता है। यहाँ किसान एक बार लगाता है उसे डोमेस्टिक में बेचने में पसीने आते हैं, क्वालिटी नहीं बनती है, और कंपनी एक बार प्लॉट लगाती है तो उसे 10 साल तक तो चला रही है, केवल पानी प्रबंधन करना है बस, न जमीन की तैयारी करना है, न नए पौधे लगाना है, न हेवी फर्टिलिटी करना है क्योंकि वही बायोमास जो गिर रहा है वही काम कर रहा है, न एक्स्ट्रा हर साल गोबर खाद डालना है, ओनली पानी प्रबंधन करना है और हल्का फुल्का फर्टिगेशन जो नीड हो फील्ड की वो करना है, और केवल माल हार्वेस्ट करना है। तो ये मॉडल जब हम किसान को बतलाते हैं और गारंटी लेते हैं कि आपका एक बार लगा हुआ केला इतना देगा और अगले बार हर 6 महीने में इतना आएगा, तो भारत के किसान ने तो सुन ही नहीं रखा है कि 12 महीने में माल काटते और हम उसको प्लान देते हैं कि हम 6 महीने में आपका माल, मैक्सिमम ठंड ज्यादा है तो 8 महीने लगेंगे उस टाइमिंग पे, ठंडी में प्लांट रुक जाता है, बाकी कोई कारण ऐसा नहीं है कि आपका। तो इस बेस पर आप ये जो पोटेंशियल एरिया है केले का, यहां पर कई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो केले में। केले के साथ वहीं पर पपीता आ सकता है, लेकिन पपीता शुरुआत करो 2-3 एकड़ से। पपीता ऊपर वाले को आपको पैसा देना है तो प्लाट बनेगा, वरना मेरे से भी बड़ा एग्रोनॉमिस्ट आ जाए प्लाट नहीं बन सकता, वो लक बाय चांस है। पपीता लगा दिया, जो सबसे अच्छी कंपनी उस कंपनी से ही जाकर के सीड लेकर के आए, पौधा तैयार अच्छे टिश्यू कल्चर में किया, नेट हाउस में किया या हमने किया, उसके बाद भी लगाने के बाद वायरस आएगा, बारिश कम ज़्यादा हो गई तो डंपिंग आएगा, ये फिक्स फैक्ट है। 2020 का ये सीन है कि पपीता जितनों ने लगाया था पूरे भारत में 70% आउट हो गया है। 9 तपा की गर्मी, 15 मई के बाद जो 15 जून तक की जो टेम्परेचर आता है पूरे भारत में 45+ ग्लोबल वार्मिंग को तो हम खा गए हैं, खत्म कर दिया है ना एनवायरनमेंट को तो हमने, तो अब भुगत रहे हैं। तो उसका दूसरा परिणाम यह है कि पपीता पूरा आउट होता है, उस समय लीफ कर ली और चूरडा मुरडा चाय दीजिए, ये सारा जो आ रहा है इसमें गड़बड़ हो रहा है। मैं लूंगा नहीं, मालूम है मुझे, इसलिए लाए नहीं। ये जो कारण है ये पपीता को आगे बढ़ने नहीं देते, एनवायरनमेंट बहुत चाहिए उसको। और बारिश फिर हो रही है तो या तो होती नहीं है, होती है तो 4-5 दिन कंटिन्यू होती है और बहुत जोर से होती है, तो ये भी पपीता को नहीं चाहिए, उसकी टखने में सड़न आ जाएगी और गिर पड़ जाएगा। 70% पपीता भारत की निकल गई है। अभी 30% के लिए फरवरी मार्च में आपके रमजान में रेट देखो कैसा आने वाला है। फिर किसान को लालीपाप लगेगा कि मेरे खेत से तो 15 रुपए किलो 20 रुपए किलो बिक रहा है, ये बिकने ही वाला है आगे आप देख लेना। तो फिर किसान फिर दौड़ेगा, इस साल को भूल जाएगा, क्योंकि नए किसान दौड़ेंगे ना, पुराने ने जिसने 5 लाख का घाटा खा लिया, उसके पड़ोस में दूसरा है, उसके गांव में 100 प्लाट लगे थे जिसमें एक प्लाट कट रहा है 15 रुपए किलो, बाकी के प्लाट खराब हुए, कुछ प्लाट कम कट रहे हैं, लेकिन जो नए हैं उनको लगेगा अब मैं पपीता करूंगा, तो फिर वापस 100 लोग इसमें गड़बड़ करेंगे। तो नए व्यक्ति को मैं बोलता हूँ पपीता सीखो, करो मत। केले में कोई डिसऑर्डर नहीं है, कितना ही एकड़ एक ही बार में लॉन्च कर सकते हो। अब दूसरा गुजरात का मैं सुंदर पहलू बतलाता हूँ। ये जो बाकी का एरिया है सौराष्ट्र, ये भुज कच्छ आ गया और ये जितना भी आ गया है, ये सारा बांबू के लिए 100% पोटेंशियल है, 100%। आपकी अगर मैं भुज कच्छ की बात करूं तो वहां पर 90% लोग हैं जो बाहर हैं, जमीनें खाली पड़ी है, सब देखोगे तो पूरे पठार 1000 एकड़ तक के पठार दिखेंगे, सारे पटेल यूके में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, सब बाहर। वहाँ एक छोटा सा गांव है जहाँ कोई ऐसी इंटरनेशनल बैंक नहीं होगी जो उस गांव में नहीं है।
बाकी वहां की खेती हो ही नहीं रही, जमीनी हो नहीं रही। दूसरा डिसऑर्डर है इस बेल्ट का कि यहाँ पानी कम है। अभी नर्मदा की जो नहर गई है, जो पिछले दो सेशन में उसका इनोग्रेशन मोदी जी ने किया और उसको चालू कर दिए, तो वहां तक पानी पहुंच गया, तो अब थोड़ी हरियाली अब दिख रही है। खेती करे भी कैसे, पानी नहीं है तो क्या करोगे। तो यहाँ की सुंदरता ये है कि आप बांबू आंख बंद करके 1,000 एकड़, 2,000 एकड़, 10,000 एकड़ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो जहां पानी नहीं है वहां आप कर सकते हो बांबू, और जहां पानी है वहां कर सकते हो 100% केला। गुजरात का पूरा ये सीन है पोटेंशियल, आपका भावनगर, गिर सोमनाथ, आपका द्वारका, भुज कच्छ, ये सारी जगहों बुला रही है कि आप बांस लगाओ, हरियाली करो, तो यहाँ की जमीन और पोटेंशियल। वो एमएलए जी द्वारका जी है ना, द्वारका, वहाँ पर अभी हम एक 1,000 एकड़ का स्टार्टअप कर रहे हैं, दिवाली बाद 150 एकड़ का बांबू लगेगा वहाँ पर। बांबू, अच्छा एक आपसे क्वेश्चन था, केले के वीडियो में मैंने बहुत बार आपके बार आपका देखा, जैसे कॉर्पोरेट लेवल पर लोग क्वेश्चन करते हैं आपसे फार्मर कि हमारा कितना पैसा लगेगा और हमको कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसके अंदर आप जैसे हमारे यहाँ एरिया में, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ केले का, हम जो परचेस करते थे, मतलब मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को केला बहुत पसंद था, तो वो दर्जन के ऊपर होता है, 15 रुपये डजन, 20 रुपये डजन, 40 रुपये डजन, और आप वीडियो में किलो बता रहे थे रेट, केजी बता रहे। और जैसे ट्री का कैपेसिटी भी आपने बताया था 25 से लेके 35 kg पर ट्री, वो जो एक उसका बंच होता है, तो वो एक ही बार में एक ही बंच देता है, एक पौधा एक ही देगा, एक ही में उसका बेबी स्टार्ट साइड का बच्चा आएगा, तो वो उसका जो टोटल वेट रहेगा मटेरियल का वो 25 kg to 35 kg रहेगा, परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। तो उसका मार्केट रेट जो रहता है जिसको बेचते हैं, तो वो भी केजी पे रहता है, किसान के खेत से केजी पे ही बिकता है पूरे किसान के खेत से। लेकिन जो राइपनिंग करते हैं, केला पकाते हैं और फिर ग्राउंड पर जाते हैं ठेले पर, तो कई जिले ऐसे हैं जैसे राजस्थान में मैक्सिमम केजी में बिकता है, एमपी में, गुजरात में नग से बिकता है, दर्जन से बिकता है, दर्जन से, ऐसे क्षेत्र वाइज डिवीजन है ग्राउंड पे, तो वो कान इधर से पकड़ रहे हैं। बात वही है कि 1 kg में 12 केले हैं या 1 kg में 10 केले हैं, कितने हैं, वो उस हिसाब से वो ठेले वाला उसका रेट काउंट कर लेता है, लेकिन वो आगे से खरीदेगा वो केजी में ही खरीदता है, आगे की जो खरीद बिक्री केजी में है, ग्राउंड में क्षेत्र वाइज नग या केजी से जाएगा। तो हम तो फार्मर हैं, हमें केजी से बेचना है, तो हमें केजी के प्रोडक्शन कास्ट निकालनी पड़ेगी ना, कि हमने 1 एकड़ में 25 टन उत्पादन किया, तो 25 टन में हमारा इन्वेस्ट कितना हुआ, ये 50,000 हुए हैं या 25,000 हुए हैं या 10,000 हुए हैं, प्रोडक्शन कास्ट क्या है पर केजी की, तो ही तो आप उसको सही से कम्पीट करके सेल आउट कर पाओगे। जनरली इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बनाने की क्या रहती है, इसको एक पुश करके फिर से स्टार्ट करो।